बेटे हमारा क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन टू एल्कीन बिकॉज, ऑप्शन फर्स्ट है बोथ आर हाईली आयनिक, वन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड अदर इज रिड्यूसिंग, वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक इन बोथ केसेस एंड ऑल द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक इन बोथ केसेस, राइट। सबसे पहले बेटा परोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, इसकी मैकेनिज्म को अगर हम स्टेप वाइज देखें, ठीक है, तो सब ये दो स्टेप प्रोसेस, टू स्टेप में ये प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप वन, इसमें सबसे पहले जो हमारा परोक्साइड है वो फ्री रेडिकल जनरेट करता है। लेट अस सपोज ये परोक्साइड हो गया, और ये परोक्साइड सबसे पहले क्या करेगा बेटा, फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, राइट। ये डिसोसिएट हुआ, फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ। अब इसमें अगर हम इसे फ्री रेडिकल जो जनरेट होता है, ये फ्री रेडिकल फर्दर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ HX, राइट। और फिर यहां से जो है एक्स फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये चेन इनिशिएशन की बात हो गई, चेन स्टार्ट हो गई यहां पर। अब चेन प्रोपोगेशन की अगर बात करें स्टेप टू, तो स्टेप टू में जो हमारा एल्कीन है जिसमें इसे हमें ऐड करना है, उस एल्कीन पर जाकर ये फ्री रेडिकल ऐड होगा, राइट। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो फ्री रेडिकल इस कार्बन पर जनरेट हो, CH2 और X यहाँ आके जुड़ जाए, और दूसरा जो है X यहीं पर जुड़ जाए और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन इस कार्बन पर हो जाए। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर ये जो है ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, राइट। और ये क्या है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। हमें मालूम है बेटा कि सेकेंड डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल पार्ट, अब क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है ये नेक्स्ट जो है HX के साथ रिएक्ट करेगा और फर्दर जो है RCH2 CH2 X का फॉर्मेशन हो जाएगा और X फ्री रेडिकल फिर यहां पर बन जाएगा। तो ये पूरे मैकेनिज्म में जो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है HX का, उसकी ये पूरी मैकेनिज्म है, राइट। मार्कोनिक ऑफ एडिशन आपने एल्कीन चैप्टर हाइड्रोकार्बन में देखा हुआ है डिटेल में, इसको मैं अभी डिस्कस यहां नहीं कर रहा हूं। तो ये हमारा बेटा जो है पूरा मैकेनिज्म हुआ। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, ठीक, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में एंडोथर्मिक स्टेप, इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के केस में ये जो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप का, ये सेकेंड पार्ट, ये एंडोथर्मिक नेचर का होता है, मतलब यहां पर हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट। जबकि जो HI होता है एंडोथर्मिक स्टेप इन केस ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड अगर यूज किया जा रहा है तो इसमें सेकेंड स्टेप ये जो है ये पार्ट जो है एंडोथर्मिक स्टेप होता है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि HCl एंड HI
do not give anti Markovnikov addition anti-Markovnikov's addition in presence of peroxide, right? Peroxide के presence में ये anti-Markovnikov addition नहीं देते हैं because it is energetically not favorable, ये energetically favorable नहीं है, ठीक है। और यहां पर जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक इन बोथ केसेस, दोनों HCl और HI के केस में एक एक स्टेप जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एंडोथर्मिक हो जाते हैं, इसलिए ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी बेटा अगर मान लो इस तरह का ऑप्शन एनर्जी के टर्म में ना हो और वहां ये ऑप्शन हो कि होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ HCl एंड HI इज नॉट फेवरेबल, तो उसे भी आप करेक्ट आंसर टिक करोगे। क्लियर है? ओके, क्लियर।